हम कक्षा 10 की अध्याय 12 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इस अध्याय के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उनको जाके आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, इस अध्याय को हम किस तरीके से इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझ रहे हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में, जिसके भी बारे में दिया गया है, जैसे बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ठीक है, तो सबसे पहले उसके सूत्र लिख रहे हैं अपन और फिर उस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये तरीका है हमारा। इससे क्या होगा कि हमें सारे सूत्र याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप जाके उनको देख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आएंगे वो, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक बेलन और एक शंकु के आधार और ऊंचाई या समान है तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है। अब देखो, यहाँ पे बेलन और शंकु दे रखा है, तो देखो सबसे पहले बेलन के सूत्र लिख लेते हैं सारे के सारे। बेलन, तो जो बेलन होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh। दूसरा सूत्र है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 2πRh प्लस 2πr² और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2πr को, तो यहाँ बच जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2πrh + r, ठीक है। ये दोनों में से कोई से लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है। अब जो तीसरा है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, इसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा πr² h, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे h ऊंचाई है और r क्या है, त्रिज्या है सभी में, ठीक है। अब देखो शंकु, अब शंकु की बात करते हैं। शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। देखो, ये मैं आपको बेलन बना के दिखा देता हूँ, इस तरीके का होता है बेलन, ठीक है। ये यहाँ से लगे यहाँ तक इसकी त्रिज्या होती है और ये इसकी ऊंचाई होती है, एच हाइट, है ना। शंकु इस प्रकार का होता है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई की है h, और ये l है, स्लांट हाइट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है πr(l)। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है शंकु का वो होता है πr(l) प्लस πr², ठीक है। अब तीसरा सूत्र है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 πr² h, ठीक है। अब इसमें एक और सूत्र होता है शंकु में, क्या होता है, एक होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। L² बराबर होता है अंडर रूट, यहाँ पे ऐसे बोल दो L² बराबर, रुको एक तरीके से, L बराबर होता है अंडर रूट h² + r² ये एल को बोलते हैं अपन तिर्यक ऊंचाई, एल बराबर होता है अंडर रूट h² + r², ठीक है। अब देखो, ये तो सारे सूत्र हो गए, शंकु के और बेलन के सारे सूत्र बता दिए। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन, आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया है इसको। अब देखो, इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब देखो, अपने पास एक बेलन है और एक है शंकु, ठीक है। इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या क्या है, बराबर है। बेलन की जो ऊंचाई है वो शंकु की ऊंचाई के बराबर है,
अब दोनों का आयतन का अनुपात बताना है आपको। देखो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों का अनुपात निकालना है, तो देखो अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखो इधर लिखा मैंने बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, आयतन तो देखो बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ऊंचाई समान है, दोनों की ऊंचाई बराबर है, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर त्रिज्या भी बराबर है, पाई से पाई कट गया, तो देखो ऊपर बचा एक और यहाँ बट्टा का चिन्ह और 1/3, ठीक है। अब देखो इसे एक के नीचे कुछ नहीं, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखो मैं नीचे बताता हूँ। देखो ये एक, ये एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, फिर बटे 1/3। अब देखो पास वाली संख्या पास से गुणा और दूर वाली संख्या दूर से गुणा, तो हो जाएगा 3 को 1 से करेंगे तो 3 और 1 को 1 से करेंगे तो 1। तो बेलन और शंकु का जो आयतन का जो अनुपात है वो आ जाएगा अपना 3:1, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ से अच्छे से समझना है इसको, ठीक है, इस एक के नीचे कुछ नहीं था तो एक लिख दिया अपनों ने, ठीक है। देखो ये बटे वाला चिन्ह था, यहाँ एक था, एक के नीचे कुछ नहीं था एक, यहाँ तो 1/3 है, ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व करेंगे तो 3:1 आ जाएगा। तो बेलन का आयतन और शंकु के जो आयतन का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 3:1। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है इसमें सारे सूत्र और इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।